राजस्थान में चुनावी वर्ष के बीच सियासी गर्माहट बढ़ती जा रही है। भाजपा सहित अन्य विरोधी दल गहलोत सरकार को चौतरफा घेरने के इरादे से पुरजोर ताकत लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपों के बीच मुख्यमंत्री पर हर दूसरे तीसरे दिन तुष्टीकरण के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों की झड़ियों के बीच अब मुख्यमंत्री भी विरोधियों पर पलटवार करते दिख रहे हैं और इसकी वानगी रविवार को देखने को मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भगवान श्री कृष्ण प्रेम रविवार को दिन भर नजर आया। सुबह जब उन्होंने जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी के दरबार में दर्शन पूजन किया, तो वहीं देर शाम को मुख्यमंत्री आवास से श्री कृष्ण बोर्ड के गठन की ही घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। यहाँ उन्होंने काशी विश्वनाथ और उज्जैन की महाकाल की तर्ज पर 100 करोड़ की लागत से कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसकी DPR बन रही है और विकास के काम जल्द शुरू होंगे। मुख्यमंत्री ने देर शाम को मुख्यमंत्री निवास पर यादव समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान श्री कृष्ण बोर्ड गठन की घोषणा भी की। दरअसल यादव समाज श्री कृष्ण बोर्ड गठन की लंबे समय से मांग कर रहा था। जैसे ही मुख्यमंत्री ने इस बोर्ड का गठन का ऐलान किया, वहां मौजूद समाज के सभी लोग खुशी से झूम उठे।